ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया कि हम 6 महीने में एम्पिरिकल डेटा तैयार करेंगे, उसके बाद कहा गया कि 3 महीने में तैयार करेंगे, फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया, अगर पहले कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अब हमारी मांग है कि 3 महीने में इसे पूरा करिए और उसे नोटिफाई करके ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगे के चुनाव कराएं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम आगे के चुनाव मंजूर नहीं करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से अब ये फैसला दे दिया है कि एम्पिरिकल डेटा के बारे में जो केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश किया जाता था, वो डेटा इस ट्रिपल टेस्ट के काम का डेटा नहीं है, वो डेटा नहीं दिया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बताई है ओबीसी आरक्षण के लिए, उस ट्रिपल टेस्ट के लिए जो डेटा है वो जो हमारा राज्य मागासवर्ग आयोग है उसने तैयार करना है, बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ द स्टेट, और बैकवर्ड क्लास कमीशन के साथ जो बैठक सीएम साहब डीसीएम साहब और मैं थे उस समय, उन्होंने हम 1 महीने में भी इसको कर सकते ऐसा कहा था, लेकिन 2 साल तक राज्य की सरकार ने केवल केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाते हुए और इसको इसमें टालमटोल की, और उसके कारण आज ओबीसी का आरक्षण गया है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। और विशेष रूप से अभी 105 नगर पंचायत और 2 जिला पंचायत के चुनाव में एक भी ओबीसी की सीट रिजर्व नहीं रहेंगी, उसको विदाउट ओबीसी आरक्षण आप इसका इलेक्शन कंडक्ट करो, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया हम 6 महीने में डेटा तैयार करेंगे, फिर कहा 3 महीने में करेंगे। अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है 3 महीने में करेंगे तो सोच समझ कर ही कहा होगा फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया, ये भी सवाल उठता है। 2 साल आप ये कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती, लेकिन अब हमारी मांग है कि 3 महीने में इसको कंप्लीट कीजिए और उसको नोटिफाई करके ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगे के चुनाव लीजिए, आगे के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना हम मंजूर नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।